पिछले दिनों पटना एम्स में एक मामला सामने आया है, जहां एक महिला जिसे 20 दिनों पूर्व बुखार के लक्षण महसूस हुए थे, गांव में ही मेडिकल स्टोर से दवा खरीद कर खाई और बाद में आंखों में उसे जलन महसूस होने लगा, और जब बाद में जब जांच किया गया तो पता चला कि वह ब्लैक फंगस से संक्रमित हो गई है। पटना एम्स में उसे एडमिट किया गया है, जहां बाएं आंख की उसकी रोशनी जा चुकी है। ऐसे में डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी, पटना के जो वरिष्ठ चिकित्सक हैं, उनका कहना है कि ऐसे मरीजों में भी यह मामले आ सकते हैं, क्योंकि यह महिला एसिम्प्टोमेटिक रूप से कोरोना से संक्रमित हुई होगी। गांव की महिला जो कोविड से संक्रमित थी, उन्होंने अपना खुद से इलाज गांव में कराया था और उसके बाद उनमें देखा गया कि ब्लैक फंगस की शिकायत हुई, आंखों की रोशनी गई और अभी वो ब्लैक फंगस के इलाज के लिए एम्स में भर्ती हैं। ऐसा देखा जा रहा है, गाँव में स्टेरॉयड का बहुत दिनों से प्रचलन रहता है, मिसयूज होता है, बहुत सारी बीमारियों में बेटनेसोल और स्टेरॉयड की अन्य गोलियां लोग ग्रामीण लोग खाते हैं और वहाँ के लोकल भी जो लोग देख रेख करने वाले होते हैं उन लोगों के द्वारा भी धड़ल्ले से इसकी प्रिस्क्रिप्शन होती है। और गांव में जनरली अपना ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर दिखाने की जो प्रक्रिया है वो नहीं हो पाती है, तो ऐसे में इस महिला का के साथ जरूर से ये सब बैकग्राउंड टेस्टिंग होने की आवश्यकता है कि कौन कौन सी दवाइयाँ उन्होंने सेवन की थी, स्टेरॉयड का सेवन कितना दिन तक हुआ नहीं हुआ, और उसके साथ साथ शुगर का क्या लेवल है, और कोई इम्यूनो डिफिशियंट कंडीशन तो नहीं है जिसके कारण से उनकी इम्यूनिटी कमजोर हुई हो। और चूंकि अब ह्यूमिडिटी वाला भी और आर्द्रता भी नमी भी वातावरण में है और गाँव में अनहाइजीनिक कंडीशन में कहीं कहीं जहाँ पशु रखे जाते हैं या फिर जहाँ पर अन्य चीज़ें रहती हैं वहाँ पर कभी कभी फंगल ग्रोथ होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं और उस कारण से भी फंगस का अटैक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स पे होता है। तो इस कारण से लगता है, ऐसा महसूस होता है कि शुगर के कारण या फिर ह्यूमिडिटी रहने से घर के अंदर में फंगस ग्रो करने के कारण बेटनेसोल या फिर स्टेरॉयड का खुद ब खुद इस्तेमाल करने के कारण और किसी अन्य कारण से भी इम्यून सिस्टम की कमजोरी रही होगी, जिस कारण से इस तरह के फंगल अपॉर्चुनिटी लेकर के वो ग्रोथ किए और आंखों पर अटैक किए और आंखों को डैमेज किए। इसलिए गांव में भी सतर्कता रखना बहुत जरूरी है, स्टेरॉयड का अनायास सेवन नहीं करना चाहिए, हर एक बीमारी में वो नहीं चलती है। कोविड के प्रारंभिक अवस्था में भी स्टेरॉयड नहीं दिया जाता है, स्टेरॉयड उसी समय दिया जाता है जब वायरस का रिप्लिकेशन खत्म हो जाता है, साइटोकाइन स्टॉर्म डेवलप करता है, इन्फ्लामेटरी मार्कर बहुत बढ़े रहते हैं, उस समय शरीर के इम्यूनोलॉजिकल रिस्पांस जो हो रही है उसको कम करने, इन्फ्लामेटरी रिस्पांस को कम करने के लिए स्टेरॉयड का कुछ दिनों तक लिमिटेड यूज होता है और चिकित्सीय देख रेख में होता है कि उस पर शुगर की लेवल भी न बढ़े और पोस्ट रिकवरी कोई कॉम्प्लिकेशन भी न हो। ऐसे में सचेत रहने की जरूरत है और जरा भी लक्षण हो तो तुरंत दिखाएं। ईटीवी भारत के लिए पटना से सहयोगी प्रणव के साथ कृष्ण नंदन।